सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी, ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सत बड़ा सत गुरु नानक जिन कल राखी मेरी। बाणी बिरलो विचार सी, जे को गुरमुख होए, ए बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। हो सिफत खसान मनी, नूर अरसों कुरसों चकी है, तुद जिठे सच्चे पातशाह, मग जन्म जन्म दी कटी है। तुद जिठे सच्चे पातशाह, मग जन्म जन्म दी कटी है। श्री वाहिगुरु जी, श्लोक महला चौथा। मैं मन तन खोज खोजदिया, सो प्रभ लगा लोड़, विष्ट गुरु मैं पाया, जिन हर प्रभ दिता जोड़। मैं मन तन खोज खोजदिया, सो प्रभ लगा लोड़, विष्ट गुरु मैं पाया, जिन हर प्रभ दिता जोड़। महला तीजा, मायाधारी अत ना बोला, शब्द न सुनई बहुरोलक चोला। गुरमुख जापै शब्द लिव लाए, हर नाम सुन मने हर नाम समाए। जो तिस पावै सो करे कराया, नानक वजदा जंत बजाया पौड़ी। तू करता सब किछ जानदा, जो जिया अंदर वरते, तू करता आप अगणत है, सब जग विच गणत है। सब कीता तेरा वर्तदा, सब तेरी बनते, तू कट कट एक वर्तदा, सच साहिब चलते। सतगुर नो मिले सो हर मिले, नाही किसे परते। सत गुर नो मिले सो हर मिले, नाही किसे परते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे सत्संग जीओ, आप जी ने सतगुरु जी के हुक्मनामे के रूप में जो वचन सरवण किए हैं, गौड़ी राग की वार विचों चौबरवीं पौड़ी है, उस तो पहला दो श्लोक हैं। पहला श्लोक चौथे पातशाह गुरु रामदास जी का है, दूसरा तीजे पातशाह गुरु अमरदास जी का है, अते पौड़ी गुरु रामदास जी की रचना है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के पन्ना 313-314 अंकत है। इन्हां श्लोकों अते पौड़ियों विच सतगुरु जी ने सानू समझाया है कि हे जीव, माया के बंधनों तो मुक्त होकर सतगुरु के उपदेश नाल जुड़,
जे सच्चे सतगुरु नूं मिलेगा तां तू वाहिगुरु दे नाल जुड़ेगा ते तेरा ए जन्म सफल होगा। पहले श्लोक विच चौथे पातशाह जी समझा रहे हैं, मैं मन तन खोज खुजेंदे कहते हैं कि मैं मन ते तन अपनी सारी होंद नूं ढुल लिया समझन दा यतन किया, सो प्रभ लद्दा लोड़ लद्दा मैंने लभे उस प्रभ नूं उस वाहिगुरु नूं मैं जाणिया उहनूं समझ सके। विष्ट गुरु मैं पाया, विष्ट मैंने विशिष्ट विशेष सच्चा गुरु मैनू मिलिया, जिन हर प्रभ दिता जोड़ जिन्हें मैं हरि के नाल प्रभु के नाल जोड़ दिता, क्योंकि गुरु ही हैं जो सच्चे सतगुरु हैं जो सानू वाहिगुरु नाल जोड़ते हैं। मोहल्ला तीज इस श्लोक में मायाधारी की जो माया के बंधन च फसया है वो गल करते हैं। मायाधारी अन्ना बोला जड़ा माया के बंधन च फसया होंदा है उन्हों कोई गल माया तो बिना चंकी नहीं लगती। महाराज कहते हैं वह अन्ना भी है बोला भी है, ठीक जीवन के सच नूं वेखदा भी नहीं अते सुनदा भी नहीं, शब्द ना सुने जीवन कहीए गुरु का उपदेश सुन वह ध्यान नहीं दिता, और कोई टाइम नहीं है, बहुत रोल कुचोला एवं इधर उधर दियाँ मारदा है, उन्हों कोई समझ नहीं। तो गुरमुख जिहड़ा है गुरु के उपदेश से चलन वाला है, गुरमुख जापै शब्द लिवलाए, गुरमुख जपदा भी है अते शब्द के नाल अपने मन प्रति नूं जोड़दा भी है, लिपि लगाउंदा है। हर नाम सुन मने वाहिगुरु का नाम सुन के उन मनदा भी है अपनाउंदा है, हर नाम समाए फिर वह वाहिगुरु के नाम के विच ही जुड़ जाता है समा जाता है। जो तिस भावै सो करे कराया, महाराज कहिंदे ने जो वाहिगुरु नूं पाउंदा है उहदे हुकम विच ही असीं सारे जीव काम करदे हां। नानक बजदा जंत बजाया, जंत मन जीव असीं सारे जीव उस तरह बिहेव करते हाँ जिमें कोई वाजा बजाउण वाला जिहड़ी सुर ते हथ रखता है उस तरह आवाज़ निकलती है, वह प्रभु सानू उस तरह जिमें भी हुक्म करता है असीं उस तरह ही बोलते हैं। पौड़ी पौड़ी में चौथे पातशाह जी समझा रहे हैं, तू करता सब के जानता है वाहिगुरु, तू करता है बनाने वाला है संसार नूं ते जानता है जो जियां अंदर वरते साढ़े जियां दे मनां विच जो कुछ वरत रहा है तैनूं पता है, तू अंतर जाने तू करता आप अगणित है, तू सब कुछ बनाने वाला सारी शक्तियां का मालिक, तेरी कोई गिनती नहीं की जा सकती, तेरा कोई अनुमान नहीं लाया जा सकता, सब जग विच गणित है, पर बाकी संसार दीआं सारीआं चीज़ां गिनती विच आ जांदियां ने हिसाब विच आ जांदियां ने, तू बेअंत है, सब कीता तेरा वरतदा, जो कुछ संसार विच हो रहा है वह तेरा कीता तेरे हुक्म विच हो रहा है, सब तेरी बनत है, जो तू बनत बनाई जिस तरह की सृष्टि की रचना की है वह सब तू ही की है, तू घट घट एक वरतदा हर शरीर विच, घट घट हर शरीर विच एक तू ही वरत रहा है, तेरी जोत है सच साहिब चरित है, तू सच्चा साहिब है, ये तेरी खेल है चरित खेल तू बनाई है, ये अनुसार संसार चल रहा है। तो आखिरी पंक्ति में दसते ने सतगुर नूं मिले सो हर मिले, जिहड़ा सच्चे गुरु नूं मिल गया समझो वह हरि नूं वाहिगुरु नूं मिल गया, नाही किसे परते होर कोई रस्ता नहीं होर किसे तरीके नाल प्रभु नाल जुड़ नहीं सकदा, सतगुरु दे मेल संगत विच आके जीव जिहड़ा है जीवन दे सच नूं समझदा है। सत संगत असीं भी इह उपदेश सुन के यतन करिए, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जो साडे सतगुरु हन उन्हां दे उपदेश नाल जुड़ के अकाल पुरख नाल जुड़िए तां कि साडा जीवन सफल होवे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह।